सर हम सब ने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे फैंस देखे हैं, ये वाले नहीं ये वाले, जैसे कि ये और भी बहुत सारे। लेकिन आपको पता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, वो उसकी जो कंट्रोल होता है, उसकी जो स्पीड होती है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं गियर सिस्टम। जी आपने बिल्कुल सही सुना, वो गियर से कंट्रोल होता है। जैसे कि कार में गियर होते हैं, बाइक में और ट्रक वगैरह में गियर होता है, उसी तरह से उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट गियर्स पे डिसाइड होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो में जिस फैन के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एमजी फैंस। असल में एमजी फैंस कैसे वर्क करते हैं, सो आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बड़े फैन को रोटेट कराना होता है, तो डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको गियर के मीडियम से कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो अपनी एक्चुअल स्पीड पे आ जाए। जो हमारी मोटर होती है, वो डायरेक्ट इतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, जिससे कि फैन रोटेट हो सके। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, गियर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गियर्स लगे होते हैं, और जैसे हम फैन को अपने रोटर से कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल फैन को, वैसे ही वहाँ पे कंट्रोल होता है। बस रोटर को चेंज करते ही वहाँ पे जो गियर सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है। आप फैन देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सिंपल सा फैन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मोटर एक पर्टिकुलर साइड में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, कई डिफरेंट गियर्स लगे हुए हैं डिफरेंट स्पीड्स के लिए। तो कुछ इस तरह से ये गियर फैंस वर्क करते हैं। अब मैं आपको इसकी कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ। सो इसकी जो कॉस्ट आती है, वो तकरीबन 1,80,000 से 2 से 2.5 लाख के तक जाती है, इसकी एक फैन की कॉस्ट। ज्यादातर आपको फैक्ट्रीज वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी पावर की, तो इसकी पावर जो होती है 0.75 किलोवाट की होती है, यानी कि इतनी कंज्यूम करता है ये पावर को। सो इसकी जो आरपीएम स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो 90-100 के आसपास होती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती है। और फैन का जो वेट होता है 130 kg, यानी कि 1 क्विंटल 30 किलो का होता है। और सबसे खास बात, इसकी जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो वर्क करने की फ्रीक्वेंसी है, वो 50-60 हर्ट्ज होती है, यानी कि आप इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि आप किसी भी कंट्री में इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं इनको, कि आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। और इसको रन कराने के लिए जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, वो 3 फेज होती है, यानी कि 415 या 400 वोल्ट पे ही वर्क करता है, सिंगल फेज पे वर्क नहीं कर सकता। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर एक हिसाब से कह सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, जिसको 3 फेज सप्लाई चाहिए चाहिए, बिना उसके रन नहीं करेगा। और सिंपल सी बात है, सब फैक्ट्रीज या फिर रेलवे स्टेशन या फिर जितनी भी बड़े जगह होती है, वहाँ पे 3 फेज सप्लाई कॉमन यूज में आती है, 3 फेज सप्लाई के बिना काम चल ही नहीं सकता है, सिंगल फेज पे तो कोई काम होना नहीं है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।